अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज की जो वीडियो है वो, जैसा कि आप जानते हैं कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन्स ओपन हो चुके हैं, उस हवाले से ये मैं आपके लिए पांच या छह वीडियोस लेके आऊँगा एडमिशन के हवाले से, जिसमें जितनी भी फैकल्टीज़ हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स है या साइंस है, इसके अलावा मैनेजमेंट की फैकल्टीज़ है, एजुकेशन है, आर्ट्स के प्रोग्राम है। फैकल्टी से मुराद ये होता है कि वो जो प्रोग्राम्स हैं उस कैटेगरी में आते हैं। अगर फैकल्टी ऑफ आर्ट्स है उसमें आर्ट्स के प्रोग्राम होंगे, कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर के प्रोग्राम होंगे, और इस तरह बाकी जो मज़ीद तीन फैकल्टीज़ हैं उसके ऊपर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाऊँगा। तो आज की जो वीडियो है वो है फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस, यानी वर्चुअल यूनिवर्सिटी में जो कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं उसके हवाले से वीडियो है कि इसमें कौन कौन से प्रोग्राम में दाखला अभी ओपन है और आप किस तरह दाखला ले सकते हैं। ये सारी बातें इंशाल्लाह इस वीडियो में करते हैं। उससे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी पूछना हो तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर, व्हाट्सएप नंबर छोड़ रहूँगा। आप पाकिस्तान में कहीं से भी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेंगे ताकि आप बग़ैर किसी झंझट के और परेशानी के वर्चुअल यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सकें। थोड़ा सा वर्चुअल यूनिवर्सिटी का मैं आपको बता देता हूँ। वर्चुअल यूनिवर्सिटी को 2002 में बनाया गया था और अब 2023 चल रहा है, तो इसका मतलब है कि 21 साल हो चुके हैं इस यूनिवर्सिटी को बने हुए। जो पाकिस्तान का सदर होता है वही इस यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, उसके सिग्नेचर के साथ ही आपको जो फाइनल डिग्री जारी की जाती है। इस वजह से लोग सवाल करते हैं कि क्या ये वैलिड है, क्या इसकी कोई एक्सेप्टेंस है। तो ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डिग्री आप कहीं पे भी काम में ला सकते हैं, ये हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। इवन के आप अगर बाहर के मुल्कों में भी जाते हैं तो वहाँ पे भी डिग्री एक्सेप्टेबल है। और इसका दूसरा जो बड़ा फ़ायदा है कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए जो प्रैक्टिकली है बहुत ज़्यादा सीख पाते हैं, क्योंकि आप सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो इसमें कंप्यूटर के ऊपर ही होती हैं। इस वजह से आप कंप्यूटर के ऊपर और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल, जो सॉफ्टवेयर्स आपको स्टडी के दौरान रिक्वायर्ड होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं और आप सीख पाते हैं। तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो पाँच जो कैटेगरीज हैं उसमें आपको एडमिशन ऑफर करती है, तो आज जो हमारी कैटेगरी है वो सीएस की है। तो हम सीएस के ऊपर बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर साइंस में कौन कौन से प्रोग्राम यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है इस वक्त, जो फॉल 2023 के एडमिशन ओपन है। तो फैकल्टी ऑफ सीएस और आईटी में हमारे पास सबसे पहले तो एमएस कंप्यूटर साइंस है। ऐसे वो स्टूडेंट्स जो एमफिल करना चाह रहे हैं कंप्यूटर साइंस में वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस सेमेस्टर में, यानी फॉल 2023 में। और इसके ऊपर जो मैं अलग से एक वीडियो कल आपके साथ शेयर कर चुका हूं वो आप देख सकते हैं कि एमएस कंप्यूटर साइंस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए फ़ीस, एलिजिबिलिटी, मेरिट लिस्ट और वो सारी जो भी चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होंगी एमएस के हवाले से वो यहाँ पर आपको देख सकते हैं। अब आ जाएँ बाकी प्रोग्राम्स के मतलब। मास्टर डिग्री, जैसा कि आप जानते हैं तो एचईसी ने मास्टर डिग्री तो आप सारी की सारी कर दी है ख़त्म, कोई भी प्रोग्राम मास्टर डिग्री में नहीं ऑफर किया जा रहा। तो इसका जो हल किया जा रहा है तो जो मास्टर डिग्रीज हैं वो आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। आपका अगर बीए बीएससी है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था कि पाँचवें सेमेस्टर में भी दाखिला ले सकते हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जिनकी ग्रेजुएशन है किसी भी सब्जेक्ट में रेलिवेंट होनी चाहिए, नंबर्स होने चाहिए 45% से ऊपर और इंटर में होने चाहिए 50% से ऊपर, तो वो पाँचवें सेमेस्टर में भी इन सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस की हुई है तो वो बीएससीएस या बीएसआईटी या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये कर सकते हैं। तो जो बीएस प्रोग्राम्स हैं 4 साल वो यूनिवर्सिटी करवा रही है, बीएससीएस है, आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, और अगर 2 साल आप करना चाहते हैं तो फिर
कंप्यूटर नेटवर्किंग है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वेब डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट और कंप्यूटर साइंस, ये 2 साल डिग्रीज हैं और ये भी इंटर के बाद होती हैं। और इंटर में आपके नंबर 550 से ऊपर होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए। और बाकी सब्जेक्ट कौन से होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। वो सब्जेक्ट आपके मैथ होना चाहिए, अगर आपने प्री मेडिकल किया हुआ है, प्री इंजीनियरिंग किया हुआ है, नंबर आपके 550 से ऊपर हैं, कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स पढ़ी है आपने, कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, स्टैट पढ़ी है, यानी इकोनॉमिक्स स्टैट पढ़ी है तब भी हो सकता है, कंप्यूटर और स्टैट पढ़ी हुई है तब भी हो सकता है। सिंपल FA वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, स्टैट, इकोनॉमिक्स और इसके बाद मैथ या बायो नहीं पढ़ी हुई, तो वो BS CS के प्रोग्रामों में दाखिला नहीं ले सकते। और अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं कंप्यूटर साइंस में और या IT में, तो ये ग्रेजुएशन के ऊपर बेस के ऊपर होता है, यानी अगर आपकी 14 ईयर एजुकेशन है तो फिर आप इनमें अप्लाई कर सकते हैं। क्राइटेरिया वही है, इंटर में भी आपकी सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए कम से कम, और BSc में भी, BA में भी सेकेंड डिवीजन होनी चाहिए। थर्ड डिवीजन वाले एडमिशन नहीं ले सकते। और अब आ जाए दूसरी चीज़ के फीसेस इसकी किस तरह होती हैं। किसी भी BS प्रोग्राम में या आपको जो यहाँ पे हैं ADP प्रोग्राम्स, अगर आप फीसें चेक करना चाहते हैं तो सिंपल सा मेथड है। फीसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अगर BS CS की फीसें देखना चाहते हैं तो फिर कितनी फीसें आपको टोटल आपके ऊपर लगनी है, यानी टोटल अगर आपकी फीस लगनी है 1,42,050 रुपये, ये टोटल फीस लगेगी आपकी 4 सालों में ही। और स्ट्रक्चर्स अगर आप समझना चाहते हैं तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, नंबर मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ अभी वीडियो के चलते चलते भी, तो वो नंबर मेरा कॉल्स के ऊपर भी है, उसके ऊपर SMS भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर है कि आप व्हाट्सएप करें ताकि आपको जल्दी उसका रिप्लाई मिल सके। ये नंबर है मेरा, नोट कर लीजिएगा। पाकिस्तान में कहीं से भी आप हैं, आपको हेल्प चाहिए एडमिशन्स के लिए, एलिजिबिलिटी जानने के लिए, तो इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी। अब मजीद बातें, BS का कोई भी प्रोग्राम है, ये फीस स्ट्रक्चर है। और अब अगर आपको मुख्तसर में तरीके से समझा दूँ तो आपकी जो दाखिले के वक्त है वो लगनी है, आपकी जो फीस है BS CS BS IT सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, तकरीबन 12,000 रुपये लगने हैं आपके दाखिले के टाइम पे। और उसके बाद जो पहला सेमेस्टर आता है तो वो फीस आती है 13,500 रुपये फर्स्ट सेमेस्टर। और उसके बाद अगर आप जाना चाहते हैं सेकंड सेमेस्टर से बाकियों में, ठीक है, तो वो फिर आपकी जो है ना सेकंड से ऑनवर्ड, यानी ऑनवर्ड से मतलब है कि 8 सेमेस्टर, तो वो फीस आपकी होगी 16,400 रुपये। और आप इसको पे किस तरह कर सकते हैं, आपको पे करना होती है ये 5 इंस्टॉलमेंट में, ठीक है जी। 5 इंस्टॉलमेंट में आप ये फीस पे कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यूनिवर्सिटी ने लिखा हुआ है कि 2,250 रुपये फीस है, तो ये 2,550, सॉरी, तो 2,550 आपकी बनती है 5 सब्जेक्ट की फीस, और 1,000 रुपये सेमेस्टर इंस्टॉलमेंट होती है जब सेकंड सेमेस्टर में आ जाते हैं। तो जब आप जो फर्स्ट फीस है आपको ये वाली पे करके आप जो है ना दाखिला ले सकते हैं, 12,000 रुपये तकरीबन आपके लग जाते हैं, फोटोकॉपीज वगैरह ITC ये वो करवा के भी। तो अब आ जाएं जो इसमें ADP प्रोग्राम्स भी मैंने आपको बता दिए हैं, और इसके अलावा जो 2 साल प्रोग्राम है वो भी आपके साथ शेयर कर लिए हैं, BS के भी आपको बता दिए हैं, डिप्लोमा बता दिया है। ये सारी की सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर में, यानी कि कंप्यूटर के प्रोग्राम जो हैं उनमें आप मन्नता जैल प्रोग्राम कर सकते हैं, जैसे कि MPhil कंप्यूटर साइंस है, ये साल में एक दफ़ा एडमिशन ओपन होते हैं। BS CS, BA TIC, BS IT, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग,
और ये जो जहाँ मैंने लिखा हुआ है पांचवें सेमेस्टर में, ये बीएस प्रोग्राम भी है, और इसके अलावा अगर आप बीएससी किसी स्टूडेंट ने की हुई है, बीएससी की हुई है, बीए किया हुआ है, या उन्होंने कोई 4 ईयर डिग्री की हुई है जैसे कि ऑनर्स डिग्री है किसी में भी, तो अगर उनकी बेस इंटर इंटर वाले सब्जेक्ट ओके हैं तो आगे वो एग्जामिशन के साथ पांचवें सेमेस्टर में भी दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा ये 2 ईयर डिग्री प्रोग्राम है तो इसमें भी दाखिला ले सकते हैं इंटर के बाद से। तो बात वही है कि जो सब्जेक्ट है, क्राइटेरिया है, जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं, तो फिजिक्स हो, बायो के सब्जेक्ट्स हों, आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, स्टैट पढ़ी हो, कंप्यूटर पढ़ा हो, तो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोगों ने डिप्लोमा किया होता है 3 साला, डीई इलेक्ट्रॉनिक्स और एक और भी होता है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस डिग्री के लिए बीएस में, तो इनशाला एडमिशन उनका हो जाएगा। तो फीस का आपको अंदाज़ा हो गया कि फीस कितनी है, और उसके अलावा एलिजिबिलिटी का आपको पता चल गया, उसके अलावा कौन कौन से प्रोग्राम इस सेमेस्टर में यानी जो फॉल 2023 है उसमें ऑफर किए जा रहे हैं, तो वो भी आपको पता चल गया। और अगर इस सारी वीडियोस में कोई बात ऐसी जो आपको समझ ना आई हो या आपको मजीद जानना ज़रूरी हो, तो फिर आप मुझे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे, इंशाल्लाह आपको वो मालूमात फराहम कर दी जाएंगी। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जल्दी से जल्दी आप एडमिशन ले लें, और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो टीम्स हैं, जो एक फैकल्टीज हैं, उसका हिस्सा बने, स्टूडेंट्स का ग्रुप। तकरीबन यहाँ पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में 1,30,000 से ज़्यादा स्टूडेंट एक्टिव जो पढ़ रहे हैं इस वक्त, वो इसमें इनरोल्ड हैं। तो इंशाल्लाह आप भी उस चीज़ का हिस्सा बनिएगा, ताकि आप सीखने के साथ साथ, पढ़ने के साथ साथ सीखें भी, और कल को अपना फ्यूचर और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन बनाएं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी होगी फैकल्टी ऑफ आर्ट्स के ऊपर, के आर्ट्स में कौन कौन से प्रोग्राम करवाए जा रहे हैं। जो वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, आप खुद भी इसके ऊपर आके ये सारी मालूमात ले सकते हैं तफसील के साथ, कि इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे, और इसमें आपको जो 4 साल पढ़ने होते हैं वो सब्जेक्ट कौन से हैं। मैं आपको थोड़ा सा एक नज़र दिखा देता हूँ कि सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका सिलेबस कौन सा होगा, और ये दो तरह से लोग जान सकते हैं कि जो 5वें सेमेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं या 1st सेमेस्टर में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि आपने यहाँ से देख लेना है, और ये यहाँ पे 8 सेमेस्टर का सिलेबस आपको यहाँ से मिल जाएगा। ये BSCS का सिलेबस था, स्टडी स्कीम। और अगर आप जानना चाहते हैं BSIT की स्टडी स्कीम, तो वो भी आपको इस पेज के ऊपर मिल जाएगी। ये सारी की सारी आपकी स्क्रीन के सामने है, तो आप ये देख सकते हैं। और अगर मैं हर सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू कर दूं, बताना शुरू कर दूं, तो वीडियो लंबी होती जाएगी और देखने वालों के लिए थोड़ा सा फिर मसला हो जाता है। इस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं, उसका भी स्कीम ऑफ स्टडी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ये है 8 के 8 सेमेस्टर हैं। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहते हैं जो 2 ईयर्स प्रोग्राम है उसमें सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो वो भी आप इनको क्लिक करने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा उसके उसमें स्कीम ऑफ स्टेट स्टडी जो है ना, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इस तरह यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, तो सारी मालूम आपको इसकी वेबसाइट से मिल जाएंगी। मजीद कुछ ना समझ आए तो फिर नंबर मेरा आपके पास है, वो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपकी रहनमाई करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस बगैर ढूंढे आप तक पहुंच सकें, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो फिर हर नई आने वाली वीडियो का नोटिस आपको मिल जाता है, आप उसको फिर देख सकते हैं कि वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, लेकिन इन्फॉर्मेशन आप तक प्रॉपरली टाइमली पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।